इस वक्त छत का दरवाजा खुला, कहीं वो छत पर तो नहीं है? मैं तुम्हें शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी, क्योंकि नेहा जो कहती है वो करके भी दिखाती है। You are a sweetheart, baby. आपको अपनी बीवी से डर नहीं लगता? Come on, नेहा। छोड़िए, क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? चले जाइए यहाँ से कम इतनी तो शर्म करनी थी कि ये हमारे घर में मेहमान है। सॉरी, वैसे आपकी सहेली है बहुत अच्छी। नेहा, मुझे माफ कर दो, तुम्हारे साथ ये सब मैं वादा करती आइंदा से तुम्हारे साथ ऐसा कभी नहीं होने दूंगी। थैंक यू अनुपमा, थैंक यू सो मच। हेलो बेटी, और ये तुम्हारे लिए। खुश रहो, सदा सौभाग्यवती रहो, जीती रहो। सासू माँ, इस करवा चौथ पर शगुन लेने का हक तो मेरा भी बनता है, आपके बेटे की पहली पत्नी जो हूँ, आपके हाथों से शगुन तो मैं लेकर ही रहूंगी। नेहा, जिद मत करो, एक घूंट तो पी लो। नेहा, तुम समझती क्यों नहीं, जो पति तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे, तुम्हें अपनाने से इनकार कर दे, तुम उसके लिए करवा चौथ का व्रत रख बैठी हो। ये पति है वो अनुपमा, सिर्फ पति नहीं, मेरा दिल तो उन्हें भगवान मानता है, बहुत प्यार करती हूँ उनसे, और वही मेरे पहचान है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसे कहते हैं सही वक्त पर सही तीर चलाना, फिर निशाने पर तो खुद ब खुद लग जाता ही है। वाह नेहा, वाह, शाबाश।
पर अनुपमा, तुम्हारी जगह मैं होती तो शायद मैं भी वही करती जो तुम कर रही हो। पर अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो कहने को तो चाहे मैं कुछ भी कह लेती, पर करती वही जो तुम कर रही हो। मेरे पति मुझे अपनाते या नहीं अपनाते, मैं उनके लिए व्रत जरूर रखती। उनकी लंबी उम्र की कामना जरूर करती। बेचारी अनुपमा, तुम्हारी सासू माँ तो तुम्हें आग उगलते देख कर गई है। तुम्हारी ये अच्छी अच्छी बातें, पति के लिए जान देने वाले महान विचार तो उनके कानों तक पड़े ही नहीं। क्या सोच रही होगी तुम्हारे बारे में? मैं तो यही चाहती हूं अनुपमा कि तुम्हारे सासू माँ के दिल में मेरे लिए जगह बनती रहे और तुम्हारे लिए जगह कम होती जाए। और चैतन्य माने या ना माने, वो मुझे अपनी बहू जरूर मान ले। चैतन्य तक पहुंचने के लिए माँ के दिल से बेहतर रास्ता और कौन सा होगा? Allow me, please. ओ अगर तेरी इजाजत तो मैं राज दिल बता दूं, नया आसमां बना के तुझे चांद सा सजा दूं, मैं सितारों से मेरी। ये भाई ना बात, I'm so proud of myself. तेरी माँ जी तो करता है तुम्हें हर दिन यूं ही सजाया करूं, तुम्हें यूं ही निहारा करूं। एक पल के लिए भी तुम्हें अपनी आंखों से दूर नहीं जाने दूं। अपने मन में ऐसी उसी कोई बात मत लाना, तब भी खुली थी सिंदूर गिर गया, अब ये कोई अपशगुन नहीं होता। जिसके नाम का सिंदूर तुम अपनी मांग में भरती हो, जब वो तुम्हारे साथ है तो तुम्हें चिंता करने की क्या बात है? अब आप ऐसे नहीं हंसेंगे। हाँ इट्स लाइक अ गुड गर्ल। शगुन ना देकर अपशगुन मत कीजिए माँ जी। आज मैंने भी अपने पति की लंबी उम्र के लिए करवा चौथ का व्रत रखा है और ये व्रत मैं पूरी रीति और विधि के साथ करना चाहती हूँ। मुझे शगुन दे दीजिए प्लीज, प्लीज माँ जी। नहीं, मैं तुम्हें शगुन नहीं दे सकती। चैतन्य मेरे पति हैं तो आपके बेटे भी हैं माँ, तब
से कम अपने बेटे के लिए मुझे शगुन दे दीजिए। प्लीज। शुक्रिया माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मेरा व्रत सार्थक कर दिया। समझ नहीं पा रही है कि मुझे क्या आशीर्वाद दे, पर मैं ये भी जानती हूं कि अब जुबान पर लाए या ना लाए, आपका दिल मुझे जरूर आशीर्वाद दे रहा होगा। आइए बहुरानी, आप लोग आ जाइए। सर पूजा शुरू कीजिए। और कोई है पूजा में बैठने के लिए? मैं हूँ माताजी। अब आप सभी सुहागने अपनी अपनी आंखें बंद करके कथा सुनिए। एक लड़की थी, सात भाइयों में इकलौती बहन। करवा चौथ का व्रत आता है, भाइयों से
अपनी बहन का सारा दिन भूखा प्यासा रहना देखा नहीं जाता है, ये व्रत करती है और प्रसन्नतापूर्वक रखती है। कथा पूर्ण होती है। अब आप सभी सुहागिनें चंद्रदेव का दर्शन करने के बाद अपने पति को देखेंगी और उसके बाद अपने पति के हाथों से व्रत खोलेंगी। शारदा बहन, अब मुझको आज्ञा दीजिए। नमस्ते। बहू जल्दी आओ, देखो चांद निकल आया। नेहा, चांद देखकर और अपने पति की तस्वीर देखकर अपना व्रत खोल लो। आओ ना नेहा, हम सबने तो अपना व्रत खोल लिया, तुम्हारे पास तुम्हारे पति की तस्वीर तो होगी ना? तस्वीर की कोई जरूरत नहीं अनुपमा, जब मेरे पति मेरी आंखों के सामने खड़े हैं।
करवा चौथ का व्रत पत्नी अपने पति और चांद को देखकर ही तो तोड़ती है। वही तो मैं कह रही हूँ, चैतन्य मेरे पति हैं। चैतन्य, ये क्या कह रही है? क्या ये सच है? बोलो ना।